नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार मोहम्मद जुबैर, आखिरकार फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को जमानत दी है, तो वहीं यूपी पुलिस को नोटिस थमाया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी गई है, तो वहीं यूपी पुलिस को नोटिस दिया गया है। ईद से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को बड़ा तोहफा दिया है, बड़ी राहत दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से एक धड़ा जश्न मना रहा था, काफी खुश था, तो वहीं दूसरी तरफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया समेत हजारों लोग मोहम्मद जुबैर की रिहाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। खबर सामने आई है कि मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की जमानत दे दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस को नोटिस भी थमाया गया है। एबीपी की खबर है कि मोहम्मद जुबैर बेल, पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, यूपी पुलिस को जारी हुआ नोटिस। जी हाँ, यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया गया है, तो वहीं जमानत दे दी गई है जुबैर को। खबर में अंदर लिखा हुआ है कि फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस कर जवाब भी मांगा है। इससे पहले सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, 14 दिनों की जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वो कोई ट्वीट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। तो हमने भी आपको खबर दिखाई थी कि जो 14 दिन की जो वो बेल वाली जमानत के जो याचिका दाखिल की गई थी, उसको खारिज कर दिया गया था। फिलहाल 14 दिन तो अभी पूरे हुए नहीं, 5 दिनों की उनको जमानत दी जा चुकी है और यूपी पुलिस को नोटिस भी दिया जा चुका है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई कि उत्तर प्रदेश पुलिस को ही नोटिस जारी हो गया। एक तरफ वकील ने जब ये जो जुबैर की जमानत याचिका है उसको कैंसिल करवाने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दी और यूपी पुलिस को नोटिस भी दिया। खबर में लिखा है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जमानत नहीं देने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जुबैर ने सिर्फ एक ट्वीट नहीं किया, बल्कि उनकी ऐसे अपराध करने की आदत रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 1 जून को FIR दर्ज हुई और 10 जून को हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से मना किया, जिसके बाद बहुत से तथ्य छुपाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल पूछा, क्या वो गिरफ्तार हैं? ये सवाल के बाद जो मेहता है उन्होंने जवाब दिया कि कोर्ट के आदेश के चलते वो हिरासत में है, गिरफ्तार नहीं है। ये सब तथ्य सुप्रीम कोर्ट से छुपाए गए हैं, ये गंभीर मामला है, ये कहना था वकील का। इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को ही नोटिस जारी कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी। News24 की खबर है कि इस पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि आज तक की खबर के मुताबिक अभी मोहम्मद जुबैर जो हैं वो दिल्ली पुलिस की रिमांड में रहेंगे, लेकिन फिलहाल यूपी पुलिस से उनको, यूपी पुलिस के चलते जो केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसके चलते अभी उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आज की ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला एक और सुनाया है, जिसमें जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को भी राहत मिली है। जी हाँ, एक तरफ मोहम्मद जुबैर को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित रंजन को भी राहत मिली है, क्योंकि सवाल ये खड़ा किया जा रहा था कि रोहित रंजन फरार है, मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों मामलों को शांत किया है। नई दुनिया की खबर है, सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट से टीवी एंकर रोहित रंजन को भी राहत दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को गलत संदर्भ में चलाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में संबंधित अधिकारियों को उनके
खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार उनकी जांच कर रही थी, इसलिए वो फरार भी चल रहे थे। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाना है, तो उनको छत्तीसगढ़ पुलिस से भी छुटकारा मिल गया है। खबर में आगे लिखा है कि गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और गलत वीडियो चलाने के मामले में एक FIR छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई थी। जब छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पहुंची तो नोएडा पुलिस ने रंजन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो ये खबर आप जानते ही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में कैसे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी में भी कहा गया कि पहले ही उन्होंने फैसला सुना दिया, पहले ही उन्होंने सुनवाई की डेट दे दी, जबकि ये याचिका भी नहीं दाखिल की गई थी, वो भी हमने आपको खबर दिखाई। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन को भी राहत दी है, तो वहीं मोहम्मद जुबैर को भी राहत दी है। मोहम्मद जुबैर को 5 दिन के लिए जमानत दे दी गई है, तो वहीं रोहित रंजन, जो जी न्यूज़ के एंकर हैं रोहित रंजन, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आप पूरा खेल जानते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ पुलिस जब गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तो यूपी पुलिस वहां पर पहुंच गई, नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया, गाजियाबाद थाने में पाए गए, उसके बाद कैसे खेल हुआ पूरा खेल जानते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है कि कोई कड़ा कदम जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ उठाया नहीं जाएगा। तो ये दो मामले हैं, दोनों मामले पत्रकारों से जुड़े हुए, एक मोहम्मद जुबैर से जुड़ा हुआ है, एक रोहित रंजन से जुड़ा हुआ है। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। रोहित रंजन को तो फरार है, फरारी में ही फरार चलते ही फरार, उनके खिलाफ फरारी पंचनामा भी दर्ज है। इसी हालत में उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई कड़ा कदम नहीं उठाना, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस जो फरारी पंचनामा दर्ज करके उनकी जाँच कर रही थी, उनकी तलाश कर रही थी, लगातार गिरफ्तार करना चाह रही थी, तो अब फिलहाल वो गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। तो वहीं मोहम्मद जुबैर अब 5 दिन की जमानत पर है, दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है, लेकिन जमानत पर है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं, यूपी पुलिस से कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बैठता है। एक में आरोप लगता है कि मोहम्मद जुबैर को केस में फंसाने के लिए वो यूपी पुलिस पर आरोप लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ जी न्यूज़ के एंकर को बचाने का आरोप भी यूपी पुलिस पर ही लगता है। ये बड़ी खबरें हैं, ये दोनों बड़ी खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला दिखा दिया है कि दोनों खबरों में दोनों को राहत दे दी गई है। क्योंकि सवाल किया जा रहा था बार बार कि मोहम्मद जुबैर तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आखिर क्यों जो जी न्यूज़ के एंकर हैं उनके इतने ठाट क्यों चल रहे हैं, वो आखिर क्यों फरार चल रहे हैं, आखिर क्यों उनको उत्तर प्रदेश पुलिस बचा रही है। तो इस मामले में रोहित रंजन को भी राहत दे दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस फांसे में आ गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, नोटिस जारी हो गया है मोहम्मद जुबैर के केस में। सवाल किया गया है मोहम्मद जुबैर के केस में और आखिर क्यों यूपी पुलिस आ गई है घेरे में। आप देख सकते हैं आखिर कैसे पुलिस ने कार्रवाई की जिसके चलते वो आ गई है घेरे में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। इस खबर पर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।